कुरथला के गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा साहिब पर कब्जे को लेकर पुलिस और निहंगों के बीच फायरिंग मामले में शिरोमणि अकाली दल बादल के नेता विक्रम मंझीठिया ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम के आदेश के बिना गुरु घर पर गोली चल ही नहीं सकती, इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर भगवंत सिंह मान है। मंझीठिया ने सोशल मीडिया पर गुरुद्वारे में फायरिंग की वीडियो भी शेयर की है। वीडियो में ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज है। मंझीठिया ने लिखा, ये कोई इंडो पाक बॉर्डर की नहीं है बल्कि सुल्तानपुर लोधी की है। इस वीडियो को देखकर मन को बहुत ठेस पहुंची। जब संगत पहले पातशाह धन धन गुरु नानक साहिब महाजाड़ जी के गुरु पर्व दिवस की तैयारियां कर रही थी और अखंड पाठ साहिब चल रहे थे, उस समय इस तरह की घटना घटित होना बहुत ही निंदनीय है। यह घटना प्रशासन और सरकार की नालायकी और मानसिकता को दर्शाती है। सीएम के आदेश के बिना गुरु घर पर गोली चल ही नहीं सकती, इसका सीधा जिम्मेदार भगवंत सिंह मान का है। एसएसपी कपूरथला को सस्पेंड करना चाहिए। इंदिरा गांधी की तरह आज गुरु घर पर सीएम भगवंत मान के आदेश के बाद गोलियां चलाई। 1984 का समय याद करवा दिया है जो बहुत ही दुखद और ना असहनीय है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार साहिब को निवेदन करते हैं कि इस घटना को गुरु नानक साहिब जी के पवित्र स्थान के साथ जुड़े होने के कारण पंथक रिवायतों के मुताबिक तुरंत कार्यवाही की जाए।